मर्डर के माइनर मर्डर केस में 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, और सरकार वहाँ डीएम ने 3 लाख रुपए कंपनसेशन उस परिवार को देने की घोषणा की। किस बात का कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है, ये सरकार को समझना चाहिए और डीएम महोदय को ख़ास तौर से समझना चाहिए। एक परिवार जिसने अपना बच्चा खोया हो उसके लिए कोई भी पैसे की कीमत नहीं होती, फैक्ट तो यही है। मगर अगर किसी भी तरह की अगर सहायता राशि परिवार को प्रदान करनी थी तो कम से कम सम्मानजनक राशि प्रदान करनी चाहिए। और जितना भी जिस पहले दिन से आज तक जिस तरह से अलीगढ़ पुलिस ने और प्रशासन ने इस केस के साथ कार्रवाई करी है, इस केस के इसको डील किया है, बहुत ही असंवेदनशील तरीका है, बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीका है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रशासन और शासन की आंखें खुलें और उनको समझ में आए कि कुछ चीज़ें मानवता के लिए भी की जाती हैं, और किसी परिवार ने जब अपना बच्चा खोया है उसका दर्द समझें और उसका दर्द बांटने की कोशिश करें, उस पर लीपा पोती ना करें। दुखद घटना हुई जिसमें एक परिवार पर रात में हमला कर दिया जाता है और उसकी माँ के साथ साथ 20 दिन की बच्ची होती है, उसके भी गुंडे हमला करके उसके मर्डर कर देते हैं। देखिए, मानवता तार तार शर्मसार रोज़ इस देश में होती है। प्रदेश बदल जाता है, परिवार बदल जाता है, महिला बदल जाती है, बच्चे बदल जाते हैं, मगर जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। नफ़रत के बीज शायद इतने ज़्यादा गहरे हो चुके हैं और कि लोगों को अब सिर्फ़ और सिर्फ हिंसा समझ में आ रही है। ये कैसा देश बनता जा रहा है हमारा, इस बात को देखकर चिंता भी होती है कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। मुझे लगता है बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। 5 में से सिर्फ 2 लोगों के नाम FIR मेरे ख्याल से दर्ज की गई है या पकड़ा गया है। त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, मगर कार्रवाई करके आप उस बच्ची को वापस नहीं ला पाएंगे। बार बार एक ही सवाल, एक ही प्रश्न मैं पूछती हूँ कि कौन से ऐसे वो स्टेप्स हैं जो प्रशासन पुलिस उठाता है जिसपे ये इंश्योर हो कि ऐसी घटनाएं कम हों, बिल्कुल ना घटें और अपराधियों का मनोबल टूटे। इस बात का जवाब ना तो कोई प्रशासन दे पा रहा है ना कोई सरकार। मैम, फॉर एक्यूज इन अलीगढ़ माइनर मर्डर RS 3 एंड 3 लाख कंपेंसेशन अनाउंस्ड। वेल, फ्रॉम डे वन, राइट फ्रॉम डे वन व्हेन द चाइल्ड वेंट मिसिंग एंड द पेरेंट्स हैड गॉन टू रिपोर्ट द मैटर वेर इन द पुलिस ट्राइड टू हश इट अप एंड नॉट रजिस्टर द FIR एंड टिल द डे रादर टुडे द वे आई मीन दे हैव वर्कड ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द मीडिया, ऑफ स्पेशली द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, द प्रिंट मीडिया, द सोशल मीडिया। आई मीन एट द बिहेस्ट ऑफ सच प्रेशर्स, आई मीन द एडमिनिस्ट्रेशन डज वर्क, बट आई मीन इज दैट जस्टिफाइड? आई मीन आर दे सपोज टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज विदाउट एनी प्रेशर्स फॉर दैट मैटर, एक्सटर्नल प्रेशर्स? नो, दे आर नॉट डूइंग सो। एंड दे शुड हैव अंडरस्टूड, दे शुड रियलाइज द काइंड ऑफ पेन एंड ट्रामा दैट द पेरेंट्स आर गोइंग थ्रू। नो अमाउंट ऑफ मनी इज गोइंग टू केटर टू दैट पेन एंड ट्रामा, बट स्टिल इफ एट ऑल सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प वॉज सपोज टू बी प्रोवाइडेड, इट शुड हैव बीन अ रिस्पेक्टेबल अमाउंट। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट अ रिस्पेक्टेबल अमाउंट। आई विश द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अ बिट मोर सेंसिटिव। बेबी किल गर्ल किल इन गुजरात आफ्टर गून हिट हर हेड विद ए स्टिक टू एक्यूज्ड आरिस्ट। वेल, द काइंड ऑफ वायलेंस एंड हेट्रेड इज माउंटिंग इन द कंट्री, वेदर यू सी ऑन रोड्स इन टर्म्स ऑफ रोड रेज, वेदर यू सी इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, द काइंड ऑफ वेनम विच इज़ बीन स्प्रेड, द हेट्रेड, द वायलेंस विच इज़ देयर इन वर्ड्स एंड एक्शंस, दिस इज़ ऑल वेरी वरीसम बिकॉज टुडे अ चाइल्ड हैज़ अगेन लॉस्ट हिज लाइफ, आई मीन बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ अ वायलेंट सोसाइटी। I really wonder what kind of a society are we leading towards for the new generation, for the upcoming generation. I really hope that not just, I mean, by arresting the culprits, police does not brush off the responsibility of giving a violence-free society to the country, and they start working on ensuring that they there is no crime in the society. And for that matter, I think the criminals have to be afraid of the policing. Unfortunately, it's vice versa. Police, I mean, the society seem to be more afraid of the police vis-a-vis the criminals. I think they are much more comfortable with the police.